हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज आपको जो है एक क्रोशिए की आइटम जो है बना करके दिखाऊंगी, जिसमें मैंने जो है 5 नंबर का क्रोशिया लिया है 3 mm का। तो आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग जो है क्रोशिया हुक ले सकते हैं। जो अगर अगर आपकी वूल जो है मोटी है तो मोटा क्रोशिया ले लीजिए, अगर बारीक है तो इस तरह का 5 नंबर का क्रोशिया आप ले करके इसे बना सकते हैं। तो ये जो मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ आपको, इससे आप कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं, थाल पोश बना सकते हैं। क्रोशिए से जो है इस आइटम, इस डिज़ाइन के साथ आप कुछ भी बना के रेडी कर सकते हैं। ये जो है मैंने 2 बुल के साथ बनाया है। देखिए, ये एक ग्रीन है, ये पिंक है, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो थोड़ा सा जो है इससे डिफरेंट है, कलर डिफरेंट होंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैं बना रही हूँ, सोचा आपको बता दूँ थोड़ा सा बना करके। इस तरह से ये वाली उनके साथ मैं बना रही हूँ, देखिए बहुत ही प्यारा जो है बन के आ रहा है। ये वाइट है और ये 3 ply की वूल है, ग्रीन कलर की है। तो ये जो ग्रीन कलर है इसमें थोड़ा सा जो है कम दिखाई देता है, इसलिए मैं जो है आपको लाइट कलर दोनों लेकर के उसमें जो है इस डिज़ाइन को बना करके दिखाऊंगी। तो चलिए आइए बनाते हैं। ये भी मैं बना रही हूँ, अभी अभी हम पूरा करेंगे इसको। तो इसकी फाइनल लुक जो है मैं आपको इस आपके साथ जो है शेयर करूंगी कि कितनी अच्छी जो है इसकी लुक आई है और कितना अच्छा जो है ये डिज़ाइन पैटर्न बन के रेडी हो रहा है। तो इसको हटा देते हैं, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चेन लेनी है, इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से एक नोट लगा लीजिए। सबसे पहले एक नोट लगा करके 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेकर के फर्स्ट चेन में इसको ज्वाइंट करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया, ऐसे इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद हमारे पास जो है ऐसी क्रिंग बनेगी। उसमें जो है हमने 3 चेन लेकर के देखिए 1, 2, 3, 2 चेन और लेनी है, 4, 5, 5 चेन लेकर के फिर इसमें जो है एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 5 चेन बना करके स्टार्टिंग में स्लिप करके इसको ज्वाइंट करके इसको 5 चेन बना करके एक डबल क्रोशिया बना दिया। तो इसके साथ हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक ये और एक ये। फिर 2 चेन बनाएंगे, ऐसे 2 चेन बना करके फिर से इसी जो है राउंड में हमने इस तरह से देखिए फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे करते हुए हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमारा 5 चेन से बन जाएगा, 7 हमने और बनाने हैं, मतलब कि टोटल हमारे पास 8 डबल क्रोशिया होने चाहिए। देखिए एक हमारा चेन वाला हो गया, जो हमने 5 चेन स्टार्टिंग में बनाई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक हमारा और बनेगा, 2 चेन बना करके लास्ट में फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 चेन बना करके यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है। तीसरी चेन में देखिए 1, 2, 3, तीसरी चेन में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको, फिर से इस होल में हमने इसको ज्वाइंट करना है, इस तरह से। ज्वाइंट करने के बाद हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 3 चेन लेकर के 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए तो जो 3 चेन ली है वो भी हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो इसके साथ
एक दो तीन चार पांच छः सात, टोटल हमारे पास जो है सात डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर अगली जो है, ये जो अगला होल है उसमें हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर नेक्स्ट जो होल है उसमें से हमने फिर से सात डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात। तो देखिए फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे फिर से इसको ज्वाइंट करेंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट में हम फिर से सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जहाँ तक आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से तीसरी चेन में। तीसरी चेन में ज्वाइंट करने के बाद हमने दूसरा कलर अपना लगाना है इस तरह से, और इसको हम टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद यहाँ पे इसको लेके आएंगे, देखिए ऐसे इस तरह से, और ये पिंक जो है इसको हम इस तरह से टाइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन चेन बना करके देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया। फिर हम पांच चेन बनाएंगे, यहाँ पे पांच चेन बना करके यहाँ पे इसको फिर से उसी होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। फिर तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के सेम स्पेस में हमने इसको इस तरह से डालना है क्रोशिया को, और एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन बनाई, फिर इसी स्पेस में फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया, इस तरह से आएगा। फिर हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन बना करके यहाँ पे ये जो ज्वाइंट किया था हमने यहाँ पे इसको सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा राउंड हम करेंगे। फिर पांच चेन बनाएंगे, पांच चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस है यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है, एक फिर दो चेन, फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया एक बना करके, फिर दो चेन बना के एक डबल क्रोशिया ऐसे, फिर पांच चेन बनाएंगे, पांच चेन बना करके फिर से यहाँ पे हमने इसको डबल क्रोशिया बना करके फिर दो चेन बनाएंगे, फिर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर हम पांच चेन बनाएंगे और इससे ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे। देखिए इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे, ज्वाइंट कर दिया। फिर नेक्स्ट होल में फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे हमने तीन चेन बना करके फिर यहाँ पे छह डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए एक दो तीन चार पांच
ये तो टोटल मिला के हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, एक हमारा चेन वाला है, 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब हमने इस नेक्स्ट और में जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर यहाँ पे अगले होल में फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है, यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चौथे, ये चौथे में हमने जो है इस तरह से हमने यहाँ पे डाल के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे ये हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर यहाँ पे इस तरह से इस और में हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर यहाँ पे 7 बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ तक जो है पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक हम पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ज्वाइंट करना है, फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल, फिर 7, यहाँ पे ज्वाइंट, फिर 7 सिंगल, 7, फिर यहाँ पे एक जहाँ पे ज्वाइंट करना है, फिर इसको यहाँ पे लाके ख़त्म कर देंगे इस राउंड को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से हमने ये पिंक कलर को स्टार्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच करना है। देखिए इसको अटैच किया, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद हमने यहाँ पे इसको लाना है, देखिए इस तरह से। फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 सॉरी चेन बनाएंगे। फिर इसी स्पेस में 1 2 3 4 5 5 चेन बना करके इसी स्पेस में हमने फिर से इसको इस तरह से ज्वाइंट करके डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे एक चेन बन गई, 5 चेन बना करके एक डबल क्रोशिया इसका हो गया, बीच में 2 स्पेस आ गई हमारी 2 चेन से, और एक हमने सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 चेन बना करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, ये कॉर्नर हमारे बन रहे हैं, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारा कॉर्नर होगा और ये बीच वाला हिस्सा होगा। ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 कॉर्नर बनेंगे और बीच में हमारे जो हैं ये डिज़ाइन जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, देखिए 3 4 5। अब 5 चेन बना करके यहाँ पे इस स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। डबल क्रोशिया बना करके फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बना के ये कॉर्नर का हिस्सा आ गया हमारा। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना करके फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बना करके फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3, फिर इसी स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गया हमारा कॉर्नर अब बन रहा है। फिर 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5, 5 चेन बना के इस स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है,
इस तरह से, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा, फिर पांच चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पांच चेन बना के ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, कॉर्नर में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया, दो चेन, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, 1 2 3, तीन चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा जो है ये पूरा राउंड यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने यहाँ पे तीन चेन में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। देखिए यहाँ तक हमारा जो है ये राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ तक इसमें इस तरह से लाएंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3, तीन चेन बना करके 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टोटल हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक तीन चेन से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे देखिए जो चौथी चेन है यहाँ पे इसको सिंगल स्टिच से इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना 7 डबल क्रोशिया सॉरी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है इस तरह से। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 चौथी चेन में इसको लेकर के ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से ऐसे, फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारे डिज़ाइन जो है बनते हुए जाएंगे। अब 2 3 4 5 6 7, अब देखिए इस तरह से ये जो कॉर्नर आ गया, फिर हमारा ये वाला हिस्सा जो है जो बीच वाला बनेगा यहाँ पे, अब 2 आएंगे अगली बार जब हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन, जो एक है इस साइड में 2 बनेंगे, एक यहाँ पे, जो कॉर्नर है वो इस तरह से दो दो का बनता हुआ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको इस राउंड को पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिर से ग्रीन कलर को ज्वाइंट किया है, और फिर देखिए एक राउंड में फिर से आपसे जो है शेयर कर रही हूँ। तीन चेन बना करके फिर दो चेन हम स्पेस वाली लेंगे, फिर इसी स्पेस में हमने डबल क्रोशिया एक बनाना है इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, फिर पांच चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पांच चेन बना करके फिर यहाँ पे इस स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, फिर इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे पहले एक डिज़ाइन बना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एक डिज़ाइन बना, फिर हमारे दो डिज़ाइन जहाँ पे आएंगे ये फर्स्ट में और सेकंड में जो है यहाँ पे कॉर्नर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे डिज़ाइन बनेंगे, यहाँ पे कॉर्नर आ जाएंगे। फिर देखिए पांच चेन बनाएंगे, 2 3 4 5, पांच चेन बना करके इस कॉर्नर में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, देखिए इस तरह से इस स्पेस में
एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन बनाएंगे, डिजाइन वही चलेगा ऊपर, देखिए दो चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया तीन चेन बनाएंगे हम, फिर यहाँ पे इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया दो चेन बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर वाला डिजाइन, देखिए इस तरह से आपको समझ आएगा, इस तरह से देखिए ये दो डिजाइन हो गए, ये कॉर्नर वाला हो गया, यहाँ पे फिर दो डिजाइन आएंगे, फिर यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। तो एक बार मैं फिर से आपसे जो है आपको बना करके दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए पांच चेन लीजिएगा, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेने के बाद यहाँ पे फिर से डिजाइन आएगा हमारा एक दो। तो डिजाइन का मतलब है हमारा जो है यहाँ पे एक छोटा पोर्शन बनेगा इस राउंड में, देखिए ये देखिए ये यहाँ पे छोटा पोर्शन बना, यहाँ पे दो पोर्शन बन गए, एक और दो, बीच में चेन आ गई, यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है। फिर पांच चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे डिजाइन वाला जो है बनेगा एक दो, ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया, डबल क्रोशिया सॉरी बन गया, फिर दो चेन, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर पांच चेन बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया दो चेन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया तीन चेन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से देखिए। अब आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे बनाना है। फिर नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे सात, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सात। तो ये जो पैटर्न है इस तरह से कंटिन्यू चलता ही रहेगा हमारा, जितना भी आपने चाहे जितना भी बड़े से बड़ा आप जो है इस डिजाइन के साथ आप जो है बड़ी से बड़ी आइटम बना लीजिए, जैसे कि हमारा चौरस टेबल होता है उसके ऊपर आप बना लीजिए, चाहे कुशन कवर आप बना लीजिए, चाहे आप जो है थाल पोस बना के जितना बड़ा मर्जी आप जो है थाल पोस इस डिजाइन के साथ बना सकते हैं। तो जो है ये वाला जो है ये भी मैं अपना बना लूंगी, तो ये जितना मेरे पास थोड़ी थोड़ी वूल है जितना ये बनेगा ये भी मैं बना लूंगी, दोनों मैं कंप्लीट करके आपसे फिर मिलती हूँ। आपने इसी तरह से दो दो राउंड जो है दो पिंक के दो ग्रीन के, आपके पास दो दो कलर होने चाहिए, कोई भी दो कलर आप ले लीजिए। तो इस तरह से आप जो है इसको कंटिन्यू कीजिए। अब इसे हटा देती हूँ, आपको दिखाती हूँ दूसरा जो कि मैंने यहाँ पे ये बनाया है। यहाँ पे मेरे जो है तीन, देखिए तीन डिजाइन जो है, दो डिजाइन मैंने बना लिए, तीन डिजाइन वाला जो है पैटर्न अब स्टार्ट हो रहा है। अब तीन डिजाइन बनाने के बाद हमने जो है इसको इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने जो है इसको ज्वाइंट करना है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा जो है बूल का फर्क है, क्योंकि बूल जो है हमारी ज्यादा डार्क शेड है, इसमें थोड़ा कम दिखाई देता है इस तरह से। फिर दो चेन बना के सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन बना के सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब कि सिंगल क्रोशिया मतलब एक एक डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बन गया ये इस तरह से। अब यहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे सात डबल क्रोशिया, यहाँ पे सात डबल क्रोशिया, यहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे सात डबल क्रोशिया, यहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे सात डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारा जो है ये डिजाइन बनता हुआ जाएगा। थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ इसकी फाइनल लुक लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ऊन जो थी कम थी, तो इसलिए मैंने जो है ये छोटा सा टेबल मैट बना करके इसे रेडी किया है, थाल पोश भी इसे कह सकते हैं, छोटी सी जो है थाल होती है उसके ऊपर जो है ये आराम से आएगा।
कहीं पे भी इसे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने डबल जो है बनाया है इसको इस तरह से। आप इसे भी बड़ा बना सकते हैं, ऊन कम होने की वजह से मैंने जो है इतना ही बना के इसको स्टॉप किया है जहाँ पे। तो यहाँ से जो है ये वाला डबल कलर का जो है मैंने धागा लिया और छोटे छोटे से जो है यहाँ पे इस तरह से टेसल लगा दिए। तो आप इसमें जो है भारी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये कितनी ऊन है देखिए, 2, 4, 6, 8, 8-8 धागे हैं मेरे पास। तो इस तरह से मैंने जो है छोटे छोटे से टेसल इसमें लगा करके इसे कंप्लीट किया है। और जो जे वाला है इसे मैं बड़ा बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऊन काफ़ी है। ये देखिए, ये मेरे पास ऊन काफ़ी है, तो इसको मैं बड़ा बना करके रेडी करूंगी। सेम टू सेम इसी तरीके से जो है ये बनेगा। देखिए इतना तो बन चुका है मेरा, देखिए आप देख सकते हैं इतना मैंने बना लिया है। और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है बनाना क्योंकि मेरे पास ऊन कम थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन भी पसंद आएगा। आप इस तरह से थोड़ी सी वूल में इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी वूल इसमें लगी है, ज़्यादा नहीं लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।